देवी और सज्जनों नमस्कार। कल के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। या जगह मध्य सगळ्या गोष्टी पॉसिबल आहे, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मैं तो यह सोचता हूँ कि इस जगत में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते, बस हमें हौसला रखना चाहिए। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आज हमारे साथ में एक ऐसा शख्स है, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि यार बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं है, ये इतना बड़ा ये उद्योग करना, ये करना वो करना हमारे बस की बात नहीं। हम तो पहले हार मान लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो बस यही कभी कभी सोचते हैं कि बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए या प्राइवेट जॉब मिल जाए और दिन भर घसीटते रहे, फिर ऑफिस में जाओ, बॉस की सुनो, मैं भी आज मंत्रालय में नौकरी करता हूँ, मुझे भी बहुत सारा टेंशन होता है क्योंकि मैं खुद का नहीं हूँ, मैं किसी के कहने के ऊपर काम करता हूँ, मैं किसी का बंधा हुआ हूँ, सरकार का बंधा हुआ हूँ। मुझे खुद के विचार अगर है फिर भी मुझे सरकार के विचारों के साथ में मुझे चलना पड़ता है। लेकिन अगर मैं खुद का बिजनेस अगर चालू कर दूं या खुद का उद्योग चालू कर दूं, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं, तो मुझे लगता है कि मेरा बॉस भी मैं ही रहूंगा और मुझे किसी को सुनने की नहीं मुझे किसी को सुनना नहीं पड़ेगा। हमेशा हम यह सोचते हैं कि बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो बस थोड़ा बहुत हो गया कि हम खुश हो गए, समाधानी हो गए, मैं ऐसा लगता है कि ना बस अभी कुछ पैसे हमको मिल रहे हैं, हर महीने की 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है, घर परिवार मेरा चल रहा है, बच्चों का एजुकेशन हो रहा है, तो बस हम उसमें ही समाधान व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में आज ऐसा एक शख्स जुड़ा हुआ है कि जिसमें अपनी बहुत ही कम उम्र की जिंदगी में, बहुत ही कम उम्र में उसने एक साली समाज में इतिहास बनाया हुआ है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इस शख्स के बारे में। ये शख्स है नासिक का रहने वाला। इनके पिताजी थे, ये ITR में प्रिंसिपल थे, ITR कॉलेज में प्रिंसिपल थे नासिक के, और इनकी जो मम्मी थी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसे हम जहां कहते हैं कि जहां पे ये हवाई फाइटर प्लेन जहां बनते हैं, वहां नासिक के पास में ओझर नाम का एक HAL का बहुत बड़ी फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें इनकी मम्मी जो थी ये अधिकारी तौर पर रिटायर्ड हो गई है, इनके पिताजी भी रिटायर्ड हो गए। इनके जो बड़े भाई साहब है ये MTNL में, मतलब महाराष्ट्र टेलीफोन निगम लिमिटेड में, BSNL में बहुत बड़े अफसर है, कल्याण में रहते हैं, और ये है छोटे। ये जब इन्होंने कॉलेज की शिक्षा पूरी की तो इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि चलो अभी मैंने एजुकेशन पूरा कर दिया है, मेरा BE का एजुकेशन हो गया, इंजीनियरिंग मैंने पास कर ली है। हालांकि गरीबी इन्होंने देखी नहीं है, इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं है, लेकिन पिताजी तो सरकारी नौकरी में थे, माता भी सरकारी नौकरी में थी, फिर मैं BE का एजुकेशन करके बड़े भैया जैसा मैं भी कहीं नौकरी लग जाऊं, अगर ये नौकरी करते तो कहीं पुणे में या कहीं TCS में या कहीं कैपजेमिनी में, ये भी कभी 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी करते रहते थे। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा, और इन्होंने ये सोचा कि मैं अपना खुद का सेटअप क्यों ना खड़ा करूं। तो मुझे आज ये बताते हुए आपको सबको खुशी हो रही है कि एक नासिक के महाराष्ट्र डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया में, एक MIDC के एरिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी हुई है जिसका नाम है योगेश इंडस्ट्रीज। साथ ही में नासिक और हम अगर शिरडी चले जाए तो नासिक और शिरडी के बीच में एक सिन्नर नाम का गांव लगता है, जब माळेगाव नाम की एक MIDC है महाराष्ट्र की, वो भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे भी इनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री के मालिक आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नासिक से इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर योगेश सुरेश भुसे। नमस्कार। वर्ल्ड शाली फाउंडेशन के फेसबुक लाइव में आपका मैं हार्दिक तहदिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हमारा परिचय तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। देवर सज्जन में बताना चाहूंगा, आखिरी में बताना चाहता था लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे जो जीजा लगते हैं नितिन अशोक भुसे, इनके काका के लड़के भी है और मौसी के लड़के भी है। नितिन अशोक भुसे और अमित अशोक भुसे, नितिन अशोक भुसे सर जो है उनको मेरी बड़ी सिस्टर, मतलब हम भाइयों में से छोटी है लेकिन वो बहनों में बड़ी है,
नेहा सर आप सगे भाई जैसा है वो, या बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो नितिन भूसे जी को मेरी कभी भी आता है फोन किया तो एक मिनट में वो हाजिर होता है। नितिन भूसे जी को मेरी बड़ी बहन दी हुई है, मतलब मेरे से छोटी है हम तीनों भाइयों से, और दूसरी बहन है मनीषा करके, मनीषा भूसे जो हमारी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के ट्रस्टी है, वो अमित भूसे जी को दी है। अमित भूसे जी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, वो भी अधिकारी तौर पर काम करते हैं, और नितिन भूसे जो है वो गैब्रियल इंडिया लिमिटेड में नासिक में काम करते हैं। और दोनों परिवार का इनके परिवार के साथ में ऐसा रिश्ता है कि ये अभी इन्होंने तो कहा सगे है, लेकिन फिर भी ये उनके मौसी के लड़के भी लगते हैं और काका के लड़के भी लगते हैं। और इनके इंडस्ट्री में अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इनके इंडस्ट्री का वो प्रॉब्लम सुधारने वाला अगर कोई शख्स है तो उनका नाम है नितिन अशोक घुसे। उनको दो मिनट में फोन करते हैं तो ये पांच दो चार मिनट में वो भी हाजिर हो जाते हैं। बड़ा ये अजीब गरीब रिश्ता है इन दो परिवारों का। और मेरे साथ में आज जुड़े हुए अशोक सुरेश घुसे जी के सुपुत्र, दूसरे सुपुत्र है योगेश सुरेश घुसे। योगेश जी आपके पिताजी तो आईडिया में थे, प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हो गए, आपकी मम्मी भी सरकारी नौकरी करती थी, आपके भैया जो है बड़े भैया समीर जी, ही इज ऑल्सो वेरी गुड जी भाई, ही इज ऑल्सो वेरी गुड जीनियस पर्सन एंड ही इज नाउ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, ही इज ऑल्सो अ बिग ऑफिसर, बहुत बड़े ऑफिसर है आज। आपको नहीं लगा कि ये सब क्या करे यार, ये बिजनेस करे, और इसके अलावा ऐसा लगा नहीं कि कहीं अच्छी पुणे में या कहीं बैंगलोर में, कहीं नोएडा में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाती आपको, डेढ़ दो लाख रुपए तनख्वाह मिल जाता आपको, ऐसा सोचा नहीं कभी आपने? सोचा था सर थोड़ा अपना। हिंदी में आप हिंदी में ठीक है ना, अगर नहीं तो फिर आप मराठी में बात कर सकते हो। मैं हिंदी में आपका इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ कि हमको सुनने वाले जो लोग है बहुत सारे लोगों को मराठी आती नहीं है। कॉलेज से मेरा पैशन था सर, कॉलेज से पैशन इसलिए था, मेरे दोस्त लोग उनके पिताजी से कंपनी थी उनकी, तो वहां पे तब से मेरे को एक पैशन था कि अपना कुछ खुद का करना चाहिए, खुद का करना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, वो टाइप का बैकग्राउंड नहीं था अपना। फिर भी मैंने फिर कॉलेज कंप्लीट करके सर्विस चालू किया। मैंने सर्विस में मेरे जो दोस्त थे कलीग्स, उन्होंने खुद का वो टाइम पे बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ में आएंगे, मतलब फास्ट फ्रेंड थे मेरे, तो साथ में आएंगे, अपन साथ में चालू करेंगे कुछ, हमारा वो कॉलेज टाइम पे वो ये होता था, मतलब बातचीत होता था कि अपना साथ में अपन कुछ करेंगे। लेकिन आखिर में जो वक्त आया जब उन्होंने खुद का स्टार्ट भी कर दिया बिजनेस, वो टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि आप मेरे को उन्होंने साथ में क्यों नहीं लिया। उनका खुद का पहले स्टार्ट से उनका खुद का बिजनेस भी था, वही उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर बाद में मैंने सर्विस किया, खुद का एक्सपीरियंस लिया, और धीरे 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 मेरे को लगा यार अपना दोस्त लोग ये कर रहे हैं, मेरा पैशन था, अपना दोस्त लोग ये कर रहे हैं, फिर अपन क्यों नहीं कर सकते। तो शुरू से मैंने फिर वो फैब्रिकेशन, एक छोटा सा बिजनेस रहता है वेल्डिंग मशीन, ये वो स्टार्ट किया, वहां से मेरा स्टार्ट हुआ, मतलब जॉब करके वो किया मैंने। साधारणतः कभी शुरुआत झाली, कुठल्या वर्षी? साधारणतः 1998 ला चालू केलं। घरच्यांचा सपोर्ट कसा होता त्यावेळेला, कशाला करतो हे, बाकीच नोकरीच करून घे बाबा, कशासाठी? माझे वडील माझे इन्स्पायरेशन आहे, त्यांनी सगळं, माझे वडील एक तर टेक्निकल लाईन मध्ये होते, तर त्यांना ते आयटीआय मध्ये असल्यामुळे त्यांना ते सगळी आयडिया होती, ती ओव्हरऑल त्यांनी विचार केलाच होता आपला एक तरी मुलगा बिझनेस मध्ये असावा, तर त्यांनी त्या दृष्टीने त्यावेळेस पासून प्रयत्न केले की यार आपण कुठेतरी MIDC मध्ये जागा घेऊन ठेवी किंवा काय काहीतरी मुलांसाठी करावं, पण त्यांनी त्यावेळेस एक आमच्या इथे नाईस एरिया म्हणून तर तिथे एक छोटासा गाळा घेऊन ठेवला होता फ्लॅटेड एरियामध्ये, पण तो बराच वर्ष तो बंद होता, कारण त्यांना असं वाटायचं की काहीतरी आपल्या मुलांनी करावं, दोघांपैकी आम्ही दोघं भाऊ आहे,
दोघांपैकी एकाने काहीतरी करावं करावं, पण मग बॅकग्राऊंड काहीच नसल्यामुळे, डेअरिंग नसल्यामुळे आम्ही तो विचार पण नव्हता करत. पण डोक्यात एक एका साईडला होतं की आपण काहीतरी बिझनेस करावा बिझनेस करावा. मित्र पण आमचे बिझनेस मध्येच असल्यामुळे आम्हाला ते डोक्यात तर तेवढं होतच की करायचं. पण वडिलांचा 100% सपोर्ट होता बिझनेस करायचा म्हणजे करायचा, नाही माझा पण होता आणि वडिलांचा पण होता. तिने वाटली त्यावेळेला बिझनेस करणं आपलं काम नाही असं वाटलं नाही त्या टायमाला. प्रश्न तुम्हाला मी काय विचारतोय तुम्हाला मी कारण सांग, हे प्रश्न विचारण्यासाठी मागची काही कारण आहे. आपल्या साळी समाजामध्ये अनेक असे तरुण युवक आहेत की ज्यांच्यामध्ये टॅलेंट आहे, ज्यांच्यामध्ये नॉलेज आहे, ज्यांच्याकडे एज्युकेशन आहे, परंतु ते बिझनेस कडे वळत नाही, घाबरतात. त्यांना असं वाटतं की अरे बापरे एवढा मोठा पैसा कुठून आणायचा, पैसा कसा काय उभारायचा, सगळ्या गोष्टी, आणि एवढं करून बिझनेस नाही चालला, बिझनेस मध्ये जर आपल्याला लॉस झाला तर मग कसं काय व्हायचं आपल्याला. त्यामुळे लोक बिझनेस करायला धजावत नाही. त्यामुळे तुमच्या मनामध्ये नाही, तुमचं ठीक आहे फायनान्शियल कंडिशन तुमची अशी चांगली होतीच, त्याच्याबद्दल वाजच नाही सर, नाही वाटत तसं नव्हतं सर. खूप बिझनेस इतकी चांगली नव्हती, बिझनेसला जी लागते ना चांगली नव्हती सर. बिझनेसला जी फायनान्शियल कंडिशन लागते तेवढी नव्हती, ती कंडिशन नव्हते. पण खाऊन पिऊन तुम्ही लोक सुखी होता. त्यावेळेला असं मनामध्ये विचार नाही आला का की बाबा समीरजींची नोकरी कधी लागली, तुमचे जे मोठे भाऊ आज काम करतात. 97 लागली सर. 97 ला ते नोकरीला लागल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये असा विचार आला असेल ना, जाऊ द्या मी पण नोकरीच करतो. तुम्ही नोकरी केली? नोकरी केली ना. नाही पण नोकरी करण्यापाठीमागचा तुमचा वेगळा उद्देश होता. नोकरी करण्यापाठीमागचा तुमचा असा उद्देश होता की पहिल्यांदा मला जो बिझनेस टाकायचा आहे मला अनुभव तर आला पाहिजे. हा एक्सपिरियन्स नव्हता, बॅकग्राऊंड नव्हता, एक्सपिरियन्स फार महत्वाचा पण नव्हतं सर. म्हणजे पूर्ण आपल्या समाजात किंवा खानदानात कोणी बिझनेस केलाच नव्हता. त्याच्यामुळे तो म्हणजे एक भीती असायची मनात, यार आपण केलं तर बरोबर होईल का नाही, होईल का नाही कळायचंच नाही. पण एक डोक्यात कुठेतरी होतं की आपल्याला करायचं आहे यार बिझनेस, आपल्याला काहीतरी बनायचं आहे आणि काहीतरी रोजगार समाजासाठी काहीतरी करायचंय, हा एक मोठा उद्देश होता. मी माझ्याकडे बऱ्याच समाजातले आपल्या समाजातले मुलं पण आहेत सर, आत्ता सुद्धा आहेत सर. आता योगेश इंडस्ट्री नाशिक मध्ये उभी आहे आणि सिन्नरला पण आहे एक कंपनी. चार आहेत सर आपल्या टोटल, एक सातारा आहे, दोन अंबडला आहे आणि एक सिन्नरला आहे. बर, जी नाशिकला आहे तिचं नाव काय? योगेश इंडस्ट्रीज. हा बर, अजून कुठे आहे म्हटला? एक सॅम ऑटोटेक म्हणून ते अंबडला आहे. ओके, अजून अंबडला दुसरी कुठली आहे? अंबडला योगेश इंडस्ट्रीज, सॅम ऑटोटेक अशा दोन आहेत. ओके, आणि निशांत इंडस्ट्रीज. ओके ओके, बरं, ह्या चारही इंडस्ट्री तुम्ही एकटे पाहता का? मग हो, म्हणजे आता मी ऍक्च्युअल काय केलं सर, इंडस्ट्रीज एकच मी रन करतोय, पण माझे जे छोटे छोटे जॉब वर्क असतात की ड्रिलिंग टॅपिंग किंवा प्लेटिंग, ते सेक्शन मी डिवाइड केले आणि एक कोणतरी पर्सन घेऊन त्याच्या हँड ओव्हर केलं आणि माझेच काम ते तिथे करतात. सज्जन हमारे साळी समाज में और एक बड़े उद्योगपती है जिनका नाम है उदयजी दुधाने, कोल्हापूर के रहने वाले हैं, बहुत बड़ा दुधाने इंडस्ट्री. उन्होंने भी इनके फैक्ट्री को कंपनी को भेंट दी हुई है. सही बात है ना सर? सर मुझे लगता है उन्होंने भी आपके कार्य की सराहना की थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा था आपके यहाँ पे आए थे. ते तुमच्याकडे आले होते त्यावेळेला, तुमच्या कंपनीला त्यांनी भेट दिली होती. भेट दिली त्यांनी, त्यांनी अप्रिशिएट पण केलं सर, अप्रिशिएट पण केलं. योगेशजी तुमच्या आज चार कंपनीज आहेत, चार कंपनीज आहेत, तुम्ही चार कंपन्यांचे मालक आहात आज. आणि हा जो 1998 सालापासून आतापर्यंतचा जो काही 22 वर्षाचा जो संघर्ष आहे सर, मी 2004 चालू केली सर कंपनी. ओके, 2004 म्हणजे साधारणतः हा जो 16 वर्षाचा जो संघर्ष आहे, ह्या संघर्षाबद्दल काही असे किस्से सांगा ना की बाबा इथे हताश झालो, बंद करावं असं वाटलं, किंवा मग अजून इथे मी अजून कंपनी मला दुसरा सेटअप टाकायला जरा बरं वाटलं, किंवा मग सिनरची मग जागा विकत घेतली. कसा कसा तुमचा जो फ्लो आहे तो कसा 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 वाढत गेला सर? सुरुवात जेव्हा केली ना सर, त्यावेळेस माझ्या डोक्यात फक्त बिझनेस करायचं एवढीच आयडिया होती, काय करायचं काय नाही करायचं. तर मी सुरुवातीला फॅब्रिकेशन म्हणजे सगळ्यात सोपा आणि लो इन्व्हेस्टमेंट तो बिझनेस आहे तो स्टार्ट केला. तर त्यावेळेस माझे वडील आयटीआय सातपूरला नोकरीला कार्यरत होते, तर आणि मी त्यावेळेस इंडियन टूल मध्ये सर्व्हिसला पण होतो.
तर माझा ड्युटी टाइम असायचा 8 ते 4:30 आणि वडील 3:30 सुटायचे. तर त्यावेळेस मी फॅब्रिकेशन ज्यावेळेस चालू केलं त्यावेळेस वडील 1-2 तासासाठी त्यांचं आयटीआय आणि ती माझी आधीची कंपनी ते जवळ असल्यामुळे ते यायचे तिथे. तर आमच्या बाजूला एक ऍटोमॅट कंपनी चालायची, म्हणजे प्रॉप मशीन म्हणतात त्याला, जे मॅन्युअल मशीन असतं आणि कॅम ऑपरेटेड असतं ते चालायचं. तर ते म्हणायचे की यार तू इंजिनियर आहे, तू फॅब्रिकेशन करतो ठीक आहे, पण मला असं वाटतं की तू ती मशीन तशा मशीन मध्ये काहीतरी डोकं लाव किंवा त्या मशीन घे जेणेकरून तुला. आणि फॅब्रिकेशन मध्ये काय व्हायचं की फॅब्रिकेशनची आपण ऑर्डर घेतली तर ती साईट जिथे असेल तिथे आपल्याला जावा लागायचं. आणि त्यावेळेस माझ्याकडे नोकरी असल्यामुळे मला प्रत्येक वेळेस साईटवर जायचा म्हणजे अवघड व्हायचं किंवा प्रत्येक वेळेस सुट्टीच नाही मिळायची, असं बऱ्याच अडचणी असायच्या त्यावेळेस. तर तू अशा मशीन टाक की तुला मग नोकरी पण करता येईल किंवा आणि बिझनेस पण सांभाळता येईल, असं वडिलांनी मला गाईड केलं. तर वडील त्यावेळेस ते म्हणायचे की बघ ह्या आमच्या बाजूला एक लोंढे म्हणून होता, त्यांच्याकडे त्या मशीन होत्या की असं काहीतरी कर बा तू. मग त्यावेळेस मला असं वाटलं की त्या आपण मशीन त्या मशीननी सुरुवात करावी बा. मग हळूहळू हळूहळू मी त्या मशीन मध्ये एक्सपिरियन्स घ्यायचा हे केला, नंतर त्याच्याबद्दल वाचन केलं, त्याच्याबद्दल त्या मशीनच्या माहिती घेतली, मग ती मशीन फर्स्ट ती आणली आणि तिथून मग स्टार्ट केलं. म्हणजे तसा माझा गायडन्स माझे वडीलच होते. हॅलो. बिझनेस म्हटला ना, बिझनेस म्हटला की पैसा पाहिजे. पैसा नव्हता, म्हणजे तेवढा पैसा नव्हता सर. म्हणजे जे लोक आज आपल्याला फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून जी लोक ऐकतायत आज, ज्यांना स्वतःचा सेटअप उभारायचा आहे, ह्या लोकांना तुम्ही काय सांगाल की अशा प्रकारचा सेटअप कुठला पण असो पण? सगळ्यात मेन आहे ना सर, सेटअप उभारणं सोपं आहे सर, पैसा कुठूनही उभा करता येतो. पॅशन इम्पॉर्टंट आहे. पॅशन असलं ना तर काहीही जगात होऊ शकत. पैसा बिसा सेकंडरी आहे सर, पैशांनी काहीच होत नाही. पैसा ऍटोमॅटिक मिळतो तुम्हाला, पॅशन असलं ना तरच ते शक्य असतं. तुम्हाला पहिल्यांदा पॅशन पाहिजे, ती तो छंद पाहिजे की मला हे करायचं आहे आणि मला याच्यामध्ये काही रुची आहे. पैसा ऍटोमॅटिक मिळतो. पैसे तर म्हणजे पैशांसाठी आता अशी कंडिशन होते नंतर नंतर की पैसे नसले तरी चालेल, आपले वर्कर किंवा आपला जो स्टाफ आहे तो सेटल व्हावा, तो सॅटिस्फाईड व्हावा असं नंतर वाटायला लागतं. पैसे आपल्याला सुरुवातीला वाटतं, आपण त्याच्यासाठी पैसे कमवण्यासाठी बिझनेस आहे ना सर, त्यांनी काहीच उपयोग नाही. पॅशन असलं ना तर सगळं पैसा पण मिळतो आणि सगळंच मिळतं, सॅटिस्फॅक्शन पण मिळतं. सगळ्यात इम्पॉर्टंट ते सर. वडिलांचं मार्गदर्शन तुम्हाला लागलं. मी सरते शेवटी आपल्या पहिल्यापासून ते आहेत ना, आता घरामध्ये आहेत ना, अजून पण आणि घरामध्ये आता आहेत ना, ते आहेत ना. देऊ का एक शेवटी? नाही, शेवटी मी त्यांना बोलवणार आहे. किंवा आहेत का आता? आहेत का ते जरा बोलव. दोघांनाही बोलवा. एकच मिनिट बोलव. बिलकुल दादा. योगेशजी तुम्ही एक मोठे उद्योजक आहात, तरी तुम्ही जमिनीवर आहात. ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट सर, सगळ्यात इम्पॉर्टंट ते सर. सगळं अभिमान नाही, गर्व नाही, मेरे पास मी ये है, मेरे पास मी वो है, मेरे पास मी ऐसी गाडी है, वैसी गाडी है. सर तुम्हाला खोटं वाटेल सर, माझी ज्या दिवशी मर्सिडीजची अवकाश झाली ना त्या दिवशी मी होंडा सिटी घेतली सर. बर. ज्या दिवशी मला मर्सिडीज घेणं सोपं झालं त्या दिवशी मी होंडा सिटी घेतली. बर. अच्छा, म्हणजे डायरेक्ट मर्सिडीजला तुम्ही हात नाही लावला? नाही, कधीच नाही, कधीच नाही. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार. मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ इस लाइव इंटरव्यू में. देवेंद्र सज्जन ये है इनके पिताजी, इनका नाम है सुरेश लालू भूसे. इज अ रिटायर्ड पर्सन, इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम आईटीआई कॉलेज, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. जो आईटीआई कॉलेजेस होते हैं हमारे महाराष्ट्र के, उसी कॉलेज से ये रिटायर्ड है. इनकी जो मम्मी है उनको भी हम बाद में बुलाएंगे, वो भी एचएल से रिटायर्ड है. सर जी असं का वाटलं की नोकरी नाही करायची, बिझनेसच करायचं, असं काय पहिल्यापासून ठरवलं होतं का? की तुमच्या मनामध्ये अशी इच्छा होती की मी बिझनेसमॅन व्हावं आणि मी नाही झालो म्हणून माझ्या मुलाला करावं नोकरी? कशी आता मी आयुष्यभर नोकरी केली,
नौकरी करत असतानाचा अनुभव आणि बिझनेसमॅन असतानाचा अनुभव वेगळा असतो. आणि पहिल्यापासून माझी ती इच्छाच होती. माझ्या मला दोन मुलं असल्यामुळे मोठा मुलगा इलेक्ट्रॉनिकला होता आणि हा मेकॅनिकलला. आता माझी इच्छा असल्या कारण की आपल्याला बिझनेसमध्ये एकाला उतरायचं म्हणून ज्या वेळेस याला मला एज्युकेशनला पुढे फ्युचरला पाठवायचं होतं तर मी पॉलिटेक्निकला टाकलं तर मेकॅनिकल दिलं. कारण मेकॅनिकल हे सर्वात चांगलं असतं इंजिनिअरिंग साईडला. आणि त्याच्यानंतर बाय द वे त्या पद्धतीने त्यांनी मला सपोर्टही मुलांनी केला. मला मोठ्या मुलालाही करायचं होतं की दोन्ही भाऊ काहीतरी पुढे फ्युचरला एकत्र हे करतील. पण तो त्याच्यामध्ये त्याला चांगला जॉब लागला आणि ऑफिसर लेवल असल्या कारणाने तो म्हणाला आपण योगेशलाच पुढे हे करू. आणि मग मी ते मनात ठरवलं आणि त्या पद्धतीने नोकरीला जे असे पासून की आपल्या मुलाला बिझनेसमॅन करायचं. कारण ज्या वेळेस मी आयटीआयला असायचो तर आयटीआयला असताना मुलं आमच्या आयटीआयतनं अप्रेंटिस घ्यायचे. त्यावेळेस सर्व इंडस्ट्रीजमधनं मोठमोठ्या कंपनींमधनं इंटरव्ह्यूला ऑफिसर लोक यायचे. आणि मग त्यांच्या माझ्याशी चांगल्या ओळखी आणि संबंध चांगले आलेले असल्या कारणाने त्यांचं देखील मी गाईडलाईन घ्यायचो. आणि ते म्हणाले तुम्ही काही करा, तुमच्याकडे मुलगा आहे, होत करू मुलगा आहे आणि तो फ्युचरला पुढे जाईल, त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही पुढे काहीतरी करा. मग मी ते एक डोक्यामध्ये धरलं की नोकरी असताना आपण काहीतरी करायला पाहिजे, काहीतरी करायला पाहिजे म्हणून नाईस मध्ये मी एक छोटासा गाळा सुरुवातीला घेऊन ठेवला होता. नाईस काय आहे? नाईस हे नाशिक इंडस्ट्रीयल मॅन्युफॅक्चरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच हे आहे. ते एक मोठा ऑफिस आहे एमआयडीसी मध्ये आणि ते त्यांचं सर्व प्रस्त एमआयडीसी मध्ये आहे आणि ते प्लॉट घेऊन गाळे बांधून ते सेल करतात. त्याप्रमाणे मी तो गाळा घेतलेला होता. आणि त्याच्यामध्ये मग सुरुवातीला कसं डायरेक्ट बिझनेस मध्ये उतरायचं म्हटलं म्हणजे जरा रिस्की असतं. बरं, माझी आर्थिक कुवत एवढी नव्हती कारण मी शून्यातली माझी निर्मिती होती. त्याच्यामुळे मला मुलांना पुढे न्यायचं म्हटल्यानंतर जे भांडवल लागतं तेवढं भांडवल माझ्याकडे कपॅसिटी नव्हती. मी असं मनाचीच ठरवलेलं होतं की माझे मुलं कमवतील आणि त्याप्रमाणे ते फ्युचरला पुढे जातील. म्हणून मग मी याला आधी सांगितलं तू असं कर, मी गाळा घेतलेला, त्याच्यामध्ये तू थोडंसं छोटंसं युनिट टाक. आता त्याचा व्ह्यू देखील फार चांगला होता. तो म्हणाला की आपण डायरेक्ट मशिनरी घेऊन उद्योग करण्यापेक्षा सुरुवातीला आपल्याकडे काही नाही म्हणून त्यांनी वेल्डिंग प्लांट टाकला. त्या वेल्डिंग प्लांटवरनं त्यांनी हळूहळू हळू नोकरी करून तो प्लांट सांभाळत होता. पण ते कसं आहे वेल्डिंगचं कसं असतं, साईटवर स्वतः जावं लागतं आणि त्याचे फार धावपळ व्हायला लागायला लागेल. मग शेवटी मग मी याला म्हटलं आपण काहीतरी मेकॅनिकलच्या साईडला शिरूया म्हणून शेजारी एक लोंढेंची कंपनी होती आणि त्यांनी ट्रॉप मशीन घेतलेली होती. त्या ट्रॉपच्या प्रमाणे मग यालाही त्याचा आवड निर्माण झाली आणि मग त्यांनी ती एक पहिली ट्रॉप घेतली आणि हळूहळू त्याच्यावर आज हे जे दिसतंय ना त्याने उभं केलेलं त्या ट्रॉपवर त्याने स्वतःच्या मेहनतीने हे सर्व केलं. थोडीफार गाईडलाईन मग मी देत गेलो. आता ज्या वेळेस सातपूरला गाळा घेतला त्यावेळेस बाय द वे मला असं वाटत होतं की आता हा या जर पुढे डेव्हलप केलं तर हा गाळा लहान पडेल. म्हणून पुढे पुढच्या दृष्टिकोनातनं मग अंबडला एक जागा म्हणजे शोध लागला मला की आपण अंबडला जागा घेऊ. मग त्या ठिकाणी जागा घेऊन तिथे बांधकाम त्यांनी केलं, मी दोन्ही लक्ष घालून आम्ही केलं आणि तिथे योगेश इंडस्ट्रीज म्हणून सुरुवातीला आम्ही ती कंपनी उभी केली. आणि आज या पद्धतीने त्यांनी स्वतःच्या मेहनतीने लक्षपूर्वक हे करून आज एवढं इंडस्ट्रीज उभ्या केल्या चार. आणि त्याच्याबरोबर नुसतं इंडस्ट्रीज करून हे समाजाकरता देखील योगदान आहे त्याचं लक्षात घ्या. आज त्याच्याकडे समाजाचे आपल्या साळी समाजाचे मुलं येतात, ट्रेनिंगला येतात, ट्रेनिंग दिल्यानंतर ते पुढे फ्युचरला दुसरीकडे जातात किंवा त्यांना नोकरी लागायची असेल तर ते नोकरी हे करतात. तुम्हाला कल्पनाच आहे की ज्या पद्धतीने मी केलं त्याप्रमाणे माझ्या मुलांनी देखील ते आताही करत राहतो आणि त्याप्रमाणे त्याचं सर्व योगदान चालू आहे. देवर सज्जन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शख्स हमारे अभी जो बात कर रहे हैं हमसे सुरेश लालू उसे ये बहुत ही शांत और संयमी स्वभाव के है. मुझे लगता है इनका कोई शत्रु नहीं है. आजाद शत्रु जिसे कहा जाता है ना वैसा इनका एक व्यक्तिमत्व है. ये बहुत ही सीधी और सरल बात करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी घुमा के बात नहीं करते है. जो सही है गलत है
मुझे लगता है कि इनके इनका जो स्वभाव है यही इनके स्वभाव में कहीं एक डिसिप्लिन छिपा हुआ है, और डिसिप्लिन के कारण इनके बच्चे आज बहुत ही बड़े मुकाम पर खड़े हैं। मुझे याद है कि हमने जब 28 अप्रैल 2018 को एक प्रोग्राम किया था हमने नासिक में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के म्यूजिक बैंड का, तब एक बच्चे को नौकरी की जरूरत थी तो हमने उसी बच्चे को उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर योगेश इंडस्ट्री में अपॉइंटमेंट लेटर ही इनके हाथ से सुपुर्द किया था। मतलब केवल इन्होंने योगेश इंडस्ट्री अपने चार चार फैक्ट्रीज नहीं डाली हुई है, तो उनकी फैक्ट्री में भी आज साड़ी समाज के बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। और सर मैं अपेक्षा यही करूंगा आगे जाके कि अगर किसी भी व्यक्ति को इंटर्नशिप करनी हो, वही आपके लैंग्वेज में वही कहते हैं ना, मतलब आईटीआई हो जाने के बाद में अगर इंटर्नशिप करते हो और आपका फील्ड उससे मिलता जुलता है, तो हमारी विनती से कृपया उसको आप अपनी कंपनी में जरूर नौकरी को लगाइए। सर किसी को भी कुछ भी इश्यू हो एक मिनट में फोन करो सर, उसका काम हो जाएगा। अपना कंपनी में भी नहीं, बाहर भी कुछ महिंद्रा में, नासिक में, जहां भी इंडस्ट्रियल में एरिया है, कुछ भी प्रॉब्लम है कंपनी, कांटेक्ट बहुत है सर, अपन हेल्प करेंगे उनको। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। सर मैं आपसे एक और एक राय चाहूंगा कि आज जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, मतलब जो क्योंकि आपका इंटरव्यू में आप सर स्ट्रगल इम्पोर्टेंट नहीं सर, पैशन इम्पोर्टेंट है, एक ध्यान में नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मेरे मन में पैशन है, मुझे लगता है कि मुझे बिजनेस डालना है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत जुटा नहीं पाता है आदमी। पैशन है, टैलेंट है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा है, और आपने जैसे कहा कि पैशन है, लेकिन वो व्यक्ति जो है ना वो हिम्मत नहीं कर पाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। बहुत सारे बच्चों को हमने हेल्प किया है, लेकिन एक दो उदाहरण देता हूँ। दो उदाहरण, पहला उदाहरण ये है कि बीड, जो अपना औरंगाबाद के पास में जो बीड है, वहां पे कांबड़े नाम का एक लड़का था, वो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था, वो नौकरी करता था 8,000 रुपए की। तो मैंने कहा यार बंद कर दे, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, उसका बिजनेस डाल दे। सर जी उसने, उसको मैंने हिम्मत दी, थोड़ी बहुत पूंजी दी, उसने थोड़ी पूंजी अपनी से लगाई, आज खुद का बिजनेस कर रहा है वो। एक और लड़का था देवगा राजा में, वो जो बिल्डिंग के यहाँ पे कारागिर करके काम करता था, वर्कर था। तो मैंने उसको कहा कि यार तेरा पैशन क्या? बोले सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। कौन सा बिजनेस? कपड़े का बिजनेस। एक स्टाइल में रेडीमेड का उनको दुकान चालू करके दिया हम लोगों ने, थोड़ी बहुत पूंजी हमने उनको दी, आज उसकी दो दो दुकानें हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पैशन है, पैसा नहीं है, पैशन है, पैसा नहीं है, हिम्मत में आदमी जुटा पाता है। अशा वेळेस त्याने काय करायला पाहिजे? उसे सर तुमचं मार्गदर्शन फार महत्वाचं आहे वडील म्हणून। वडील म्हणून काय, प्रथमतः त्या धंद्याबाबतीत त्यांना पूर्ण माहिती द्यायला पाहिजे, कसं करायला काय पाहिजे, कॉन्फिडन्स महत्वाचं आहे। गम्मत अशी की आपण तर्क करायचा की हा बरोबर बिझनेस करणार आहे, त्या दृष्टिकोनातून त्याच्या त्याला कोणत्या साईडला जायचं त्याचं पहिले आपण स्टडी करायचा, आणि त्याप्रमाणे त्या बाजूला त्या त्या साईडला त्याला टाकायचं। टाकल्यानंतर एक लक्षात घ्या, पैसा जरी नसला तरी सपोर्ट किंवा मार्गदर्शन हे सर्वात महत्वाचं असतं, आणि त्याप्रमाणे मार्गदर्शन मी माझ्या मुलांना केलेलं आहे, आणि योगेशला त्याच पद्धतीने मार्गदर्शन करून आज या स्टेजला तुमच्या समोरच तुम्ही स्वतः पाहिलेलं आहे, त्याप्रमाणे येऊन पोहोचलेलं आहे। आणि समोरच्याची देखील इच्छा पाहिजे मनापासून, नुसतं मार्गदर्शन उपयोगाचं नाही, त्याने मनापासून स्वतःची तयारी मी हे करणारच जो शब्द वापरला त्या याला तो पुढे जाईल। योगीजी आप कुछ बोल रहे थे, कॉन्फिडेंट सर। मेन कसं आहे सर, स्वतःला कॉन्फिडन्स असून जरी ते असलं, आपला जो आपलं एकदा एम आपण फिक्स केलं की आपला मित्र परिवार पण त्याच हिशोबाने आपण डिसाइड करायचा की आपल्याला आपल्याला हे ध्येय करायचं आहे, आपल्याला त्या त्याच लेवलचे त्याच थिंकिंगचे त्याच ह्याचे मित्र पण तसेच हवे, आणि त्या त्या हिशोबाने पुढे गेलं तर सक्सेस होतं सर। म्हणजे आपल्याला बाकीचं इतर गोष्टी डिस्ट्रॅक्ट करणाऱ्या त्या सोडून द्याव्या लागतात सर, एम फिक्स करावा लागतं आपल्याला, सगळ्यात मेन एम फिक्स करावा लागतं। म्हणजे बाहेरचं कसं असतं, जे भौतिक गोष्टी असतात त्या खूप सोप्या असतात की आपण थोडस हे झालं की आपण भारी करावं, आपण छान छान कपडे घ्यावे, हे पण ते सेकंडरी असतं सर। तुमचं एम फिक्स करून आपल्याला तेच करायचं, ते ध्येय ठेवलं तर माणूस पुढे जातो सर।
सबसे बड़ा मार्गदर्शन आपका मुझे चाहिए वो ऐसा है कि यह सब तो हो गया, पैशन हो गया, कॉन्फिडेंट भी हो गया, मॉरल सपोर्ट भी मिल गया, मार्गदर्शन भी मिल गया, पैसा कहाँ से लाए? ऑटोमेटिक आता है सर, जनरेट होता है वो अपना टैलेंट देख के सर, ऑटोमेटिक ऑर्डर भी आता है और वो ऑटोमेटिक चलता है। मेन फिर कुछ स्टार्टअप के लिए तो पैसा चाहिए, तो कोई बैंक ऐसा पैसा देती है स्टार्टअप के लिए? मुझे बताइए थोड़ा सा वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शुरुआतीला आता तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याला या स्टेज पर्यंत आणायला सुरुवातीला माझ्याकडनं मला जे काय अपेक्षा होती त्या पद्धतीने मी प्रथम जागा घेऊन त्याला ते बांधकाम करून दिलं आणि त्यांनी केल्यानंतर त्या जी मशीन घेतली त्या मशीनवर आणि मार्केटिंग आणि स्वतःचा सर्व स्किल दाखवलं आणि आज या स्टेजवर तो पोहोचलो। सर लोन अवेलेबल इझिली असतं सर, मी आता माझ्याकडे मी सीडबीला फोन केला ना सर की आत्ता पण आपलं जर क्रेडिट असलं ना सर आत्ता पण आपल्याला करोडो रुपयाचं लोन इझिली अवेलेबल। पूर्वी तरी काळ पूर्वीच्या काळात एक 15-20 वर्षापूर्वी मी जेव्हा चालू केलं त्यावेळेस 13-14-15 टक्क्यांनी मला लोन मिळायचं, आता मी 8.05 टक्क्यांनी लोन घेतोय सर। आत्ता पण माझ्यावर लोन आहे पण 8.05 टक्क्यांनी लोन घेतोय सर। थोडं इझिली आणि कॉन्फिडंट ठेवायचा, ते लोन जे घेतलं प्रामाणिकपणे, एक वेळ आपल्याला थोडस जेवण कमी मिळालं, हाऊस मोज कमी झाली तर चालेल, पण पहिले आपले टार्गेट आणि आपलं जे काय आपल्या लायबिलिटी त्या पूर्ण करायच्या आणि मग पुढे जायचं सर। म्हणजे तुमच्याकडे पॅशन आहे, कॉन्फिडंट आहे, मॉरल सपोर्ट आहे, गायडन्स आहे आणि तुमचा रिझल्ट जर व्यवस्थित असेल, तुमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जर तुम्ही चांगला सादर केला असेल, सारख्या बँकेचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमचा चांगला असेल, त्याच्यातनं त्या बँकावाल्यांना जर अशी खात्री पटली की हा सादर करत असलेला प्रोजेक्ट रिपोर्ट बरोबर आहे, कुठेही चुकत नाही, तर मला वाटतं बँकात आपल्याला लोन ऑटोमॅटिक लोन ऑटोमॅटिकली आपल्याला लोन ते फॉलो करतात सर, ते आपल्याला फोन करतात तुमचं आता संपत आलंय लोन, तुम्हाला अजून काही हवं का, अजून काही हवं, ते फॉलो करतात। दिव्य सज्जनो इस मुलाकात के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि सही में आप में कैलिबर है, आप में टैलेंट है, आपको किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन मिला है तो घबराइए मत बिल्कुल। हमें फोन करिए, विजय वक्ते को फोन करिए, योगेश भूसे जी को फोन करिए, अगर इनका नंबर आपको नहीं मिलता है तो मैं दे दूंगा आपको नंबर, मार्गदर्शन आपको जरूर मिलेगा। पैसा कहाँ से आएगा, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है बिजनेस डालने के लिए, महत्वपूर्ण है आपकी महत्वाकांक्षा, आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पैशन मुझे बस करना है कुछ तो भी बस उतर गए बिजनेस में, डाल दिया बिजनेस 6 महीने में बंद कर दिया, उसमें कोई मजा नहीं है। पहली बात तो ये कि जी जान से लगा कि अपनी दिल की इच्छा होनी चाहिए, मन की इच्छा होनी चाहिए इस बात की कि मेरा ये पैशन है, ये बिजनेस में मेरा टैलेंट है और ये बिजनेस मुझे करना है, मतलब करना है, तो मुझे लगता है कि भगवान भी आए तो शायद उसे रोक ना पाए। तो अगर आपके पास में पैशन है, कॉन्फिडेंट है और सभी ये बातें हैं, मॉरल सपोर्ट है, गाइडेंस आपको मिलता है, हम तो गाइडेंस देने के लिए ही बैठे, वैशाली फाउंडेशन जो है गाइडेंस देने के लिए ही बैठा है, आप हमारे पास में आइए, हम आपको गाइड करते हैं, खुद का स्टार्टअप डाल दीजिए, बिजनेस डाल दीजिए। दूसरी ओर बात इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं और लोगों को कहना चाहूंगा, देखो इनका परिवार जो है, मतलब इनके पिताजी वो ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए थे, वो आईटीआई में थे, मतलब इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वही प्रिंसिपल थे, तो इनका तो मतलब इंडस्ट्री में तो इनका बोलबाला था ही। इसका मतलब ये नहीं इन्होंने डायरेक्ट छलांग मार दी और बड़ी कंपनी डाल दी, नहीं नहीं इन्होंने पहले तो छोटा एक यूनिट डाल दिया, इन्होंने पहले नौकरी की, छोटा यूनिट डाल दिया। आपको ऐसा लगता होगा इनकी आज 4-4 फैक्ट्रीज है, लेकिन मैंने इनको खुद काम करते हुए देखा है, इनके हाथ काले होते हुए मैंने देखे है, मतलब जब भी मैं कभी इनके फैक्ट्री में जाता हूँ तो मैंने देखा इनके हाथ काले, इन्होंने फिर वो साबुन वाबुन लगा के फिर मेरे साथ में बैठे है, जब पूछा तो बोले अगर कोई छोटा मोटा इशू होता है तो वर्कर बन के हमको भी काम करना पड़ता है, मालिक बन गए तो बस एसी में बैठ गए ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर एसी में बैठे रहो तो शायद एसी में ही बैठे रहेंगे जीवन भर, फैक्ट्री तो बिल्कुल फैक्ट्री का दीवार निकल जाएगा। तो अगर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है तो हम आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे, बिल्कुल घबराइए मत, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा तो बिल्कुल बैंक देने के लिए खड़ी है, सिडबी जैसी जो संस्था है, जो वित्तीय संस्था है, वो पैसा देने के लिए खड़ी, वो तो खुद फोन करके पूछती है हम लोगों को, आपको कितना लोन चाहिए बताइए आप हमको, और बस लगे 5 लाख 10 लाख 25 लाख से शुरुआत की, 50 लाख से करोड़ से शुरुआत की तो आपका करोड़ों का बिजनेस टर्न ओवर हो जाएगा, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं।
योगी जी कैसा लगता है इतनी कम उम्र में इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, हाउ यू फील? और कुछ करना है सर, इससे आगे जाना है, उल्टा उम्र और कम लगती है, इससे आगे कुछ करना चाहता हूँ सर। दिव्य सज्जनों, इस इंटरव्यू के माध्यम से और एक बात बात बताना चाहूंगा मैं कि आदमी ने ऐसे मामले में सेटिस्फाई नहीं रहना चाहिए कि बस अभी चार फैक्ट्रीज हो गई है, अच्छा घर भर भर परिवार चल रहा है, दो वक्त की अच्छी रोटी मिल रही है, फैशन होटल में खाना वाना होता है, इसका इशू है ही नहीं सर। अभी जो इशू है पैसे का इशू बिल्कुल नहीं सर। पैसे का तो इशू है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि बस अभी रुक जाऊं, बस अभी जितना खड़ा किया है बस वहीं चलाऊं, बस ऐसा नहीं सोचा इन्होंने। और सोचा कि जैसे मान लो कि हमने बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने है, धीरूभाई अंबानी की कहानी हमारे सामने है कि वो तो पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे, आज उन्होंने इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी कि मतलब उनके पास में कितना है क्या है शायद उनको भी पता नहीं होगा, उनके बच्चों के पास में कितना है। देखिए आज 4,000 करोड़ रुपए का एंटीलिया नाम का बंगला, जो मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ मेरी बाई कार से तो मैं हमेशा उस बंगले को देखता हूँ। हालांकि अभी मैं तो सरकारी अधिकारी हूँ, बिजनेस तो कर नहीं सकता हूँ, शायद उम्र भी हो गई है, मतलब उम्र के इस पड़ाव के ऊपर हूँ कि नौकरी छोड़ के ये तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मेरे दोस्त है 58-60 ईयर में रिटायर्ड हो गए, उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री चालू किया सर। आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अगर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से थोड़ा अगर वक्त मिलेगा क्योंकि आज क्या हुआ है कि मैं दो सर्विस करता हूँ, एक सरकार की सर्विस करता हूँ, एक लोगों की सर्विस करता हूँ, और ये सर्विस करते समय मुझे बहुत वक्त निकालना पड़ता है, मुझे फैमिली को भी देखना पड़ता है, आज भी मेरे बच्चे हैं। फैक्ट्री उम्र उसका कुछ इश्यू नहीं सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब भी जीवन में ऐसा मौका मिलेगा तो आपसे सलाह मशवरा करके मैं भी शायद ये कर पाऊंगा, साथ में करेंगे सर। दिव्य सज्जनों, एक और एक बात हमको ये सीखने को मिली कि आदमी ने रुकना नहीं चाहिए, रुकने से प्रगति खुंटती है, रुकने से प्रगति रुक जाती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपके परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके बच्चों को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में ऊंची उड़ान लेना बहुत आवश्यकता है, और जो उड़ान आज योगेश उसे ले रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की पूरी तरह पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर जी, आप तो पुराने मित्र है मेरे, और ये तो हमारे पिता समान रहे, जो हमारे पिता समान ही है, मैं तो इनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनका शांत संयमी स्वभाव, उनके तो गुणगान हमेशा मैं गाते रहता हूँ। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जब पहला इनॉग्रेशन हुआ था 29th October 2017 में मुंबई में, तो बहुत कम लोगों ने स्पीच दिया था, उनमें से ये एक थे सुरेश लालू भूसे जी, जिन्होंने स्पीच दिया था। मुझे तो आप बचपन से जानते हो, मतलब बचपन से मतलब काफी हद से जानते हो, 1996 से आप मुझे जानते हो, करीबन 25 साल हो गए मेरी, मुझे देखा है आपने, गांव से आया हुआ एक व्यक्ति आज मंत्रालय में काम करता है, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का इतना बड़ा ये बड़ा बड़ा एक छोटा सा वृक्ष लगाया था, बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। सर जी, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में क्या कहना है, मैं दोनों से सुनना चाहूंगा, पहले सर आपसे। जो आपने शुरू किया है समाजा करता तुम्ही जे काय योगदान देऊन राहिले आहे ते खूप मोठं आहे, खूप घेण्यासारखं आहे, आणि ते फ्युचरच्या दृष्टिकोनातून समाजाला त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे। आणि काही वेळेस जे गरिबीतनं उभं येतात किंवा ज्याच्या ज्यांना काही करायचं असतं त्याकरता तुम्ही जी मदत करतात, त्यांना सपोर्ट करतात, त्यांच्याकरता अहोरात्र मेहनत घेतात, हे खरंच वाखाणण्यासारखं आहे, हे सहजासहजी कोणाला जमत नाही। आणि हे तुम्ही करून दाखवतात, या कमी वयामध्ये सरकारी नोकरी अधिकारी पदावर असताना तुम्ही या गोष्टी करता आणि ते सांभाळून तुम्ही करतात, चेष्टा नाही, सोपं काम नाही आहे। आता मी देखील सामाजिक कार्य केलेलं आहे, पण माझ्या कोटीप्रमाणे केलेलं आहे केलेलं, पण तुम्ही खूप मोठं आज जगाशी संबंध आलेला आहे, काय कमी आहे, खूप आहे। आणि माझ्याकडनं वैयक्तिक तुम्हाला माझा आशीर्वाद आहे आणि तुम्ही पुढे जावं हीच माझी इच्छा आहे, आणि समाजाकरता याच पद्धतीने कार्य करत राहावं आणि तुम्हाला परमेश्वराने पुष्टी द्यावी हेच माझं एवढं सांगणं आहे। योगेश, क्या लगता है आपको, आप तो खोडाला में जब हम थे, खोडाळ्यात काहीच नसताना पूर्ण मी घर पण तुमचं बघितलेलं आहे, काय परिस्थिती आहे, काय सिच्युएशन आहे, आणि त्यातून तुम्ही एक ध्येय घेऊन
आपल्या समाजासाठी किती काय करावं आणि गरीब गरीब मुलांसाठी गरीब परिवारासाठी किती पुढे न्यावं त्या थिंकिंगनी तुम्ही ठरवलं असतं तर स्वतःचं अस्तित्व घेऊन सरकारी छान नोकरी होती, तुमचं लाईफ तुम्ही स्वतः जगू शकत होते, तुम्हाला कोणाचीच गरज नव्हती, ना तुमच्या सिंगल नातेवाईक, तरी पण तुम्ही ध्येय एक ठेवून समाजासाठी आपल्याला काहीतरी करायचंय, पुढे न्यायचंय आपल्या समाजाला, गोर गरिबाला मदत करायची आपल्या समाजातला, ते उद्दिष्ट ठेवून तुम्ही पुढे जे कार्य करताय सर त्याला सॅल्यूट आहे सर आमचा. आम्ही पण ते करू नाही शकत, आमचा तो ड्रॉबॅक असेल पण तुमचा तो प्लस पॉइंट आहे सर. सही बात है कि वो मेरे खुद की पैशन है. ये पैशन, हाँ बरोबर सर, मेरी पैशन है क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुझे भी लगता है मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, होता। मैं उनको वक्त नहीं देता हूँ लेकिन मैं लोगों के लिए बहुत वक्त निकालता हूँ. तो ये मेरा पैशन है और मुझे लगता है कि उसमें मुझे रुचि लगती है. तो तुम्हारा आदर है सर कि तुम्हारा एक फोन वर कोणी पण कार्य करते, नाशिक असो, मुंबई असो, ठाणे असो, कुठलाही कोल्हापूर, हे लगेच मुलं कामाला लागतात सर. तुम्ही एक फोन केला की आम्ही पुढचं काम करून टाकतो सर, म्हणजे असं नाहीये ना, तेवढा रिस्पेक्ट आम्हाला आहे सर. इस बात का मुझे बहुत अभिमान है कि साळी समाज में बहुत सारी जातियां पुढ जातियां है, सभी को एक अच्छा प्लॅटफॉर्म मिला. बांगडे साळी हो, ढिकले साळी हो, वाडोळे हो, आहेर हो, स्वीट हो, कोई भी हो, सबके लिए एक अच्छा प्लॅटफॉर्म मिला है, लोग भी जुड़ते जा रहे. और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक इंटरकनेक्टिविटी बढ़ गई है लोगों की. आपको क्या पता था कि उदय दुधानी जी कौन है, कोल्हापुर में रहते हैं, आपको क्या पता था कि वो आए थे यहाँ पे, तो सिन्नर का मैंने एक उनको रेफरेंस दिया था, सचिन सरोदे का, सचिन सरोदे के पास में हो गए, उन्होंने उसको उनको हेल्प की, आपके फैक्ट्री में आए, आपसे बात की. मतलब ये जो इंटरकनेक्टिविटी है ना, इस इंटरकनेक्टिविटी का एक जो माध्यम है ना, तो वो जो माध्यम है उसको कहते हैं वर्ल्ड छाड़ी फाउंडेशन. सर आप मेरे परिवार से तो जुड़े हैं ही, लेकिन फिर भी मैं आपके पूरे परिवार का आशीर्वाद चाहूंगा. आपका स्नेह, आपका प्रेम हमेशा ही हमारे साथ में बना रहेगा. आए, आए. तो आपको दो एक बच्ची है आपकी, डॉक्टरी कर रही है शायद, या ये वो मुझे लगता है वो यहाँ पे डॉक्टरी कर रही है, और आपका लड़का छोटा है ना, इंजीनियर बन रहा है सर, वो इंजीनियरिंग केकेवा के फर्स्ट ईयर में है और मेरी लड़की सेकंड ईयर में मेडिकल में प्रोग्राम है सर. आपकी मम्मी जी है अभी? मम्मी है ना, आई बुलाइए उनको प्लीज. साची आप थोड़ा उस लैपटॉप को थोड़ा सा दूर ढकल दीजिए, दूर कर दीजिए, तो तीनों हमको दिख जाएंगे. आप आइए. नमस्कार, हम सब लोगों को, आप तीनों को भी, पूरा वर्ल्ड आज लाइव देख रहा है, कल यूट्यूब पे भी देखेगा, एफबी लाइव देख रहा है और कल यूट्यूब पे भी देखेगा. मैंने आपके परिवार का स्नेह देखा है, मेरे प्रति आपका प्रेम मैंने देखा है. मुझे लगता नहीं कि कभी आपसे मेरी कई अनबनी हुई है, कई मतलब विचारों के साथ में हो या किसी भी तरह की अनबनी, बिल्कुल आपके साथ में मेरी हुई नहीं है. आपका जो परिवार है ना, उस परिवार का मैं हिस्सा हूँ. इसकी वजह है कि हमारी जो साली साहिबा है सोनिया भूसे, वहां पे अमित अश्विन भूसे को दी हुई है. वो अश्विन भूसे जी भी हमारे नितिन भूसे जी के सगे भाई है, वो आपके मौसा के लड़के भी लगते हैं, काका के लड़के भी लगते हैं. आपके परिवार का स्नेह तो मेरे साथ में जुड़ा है. आज आपका जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ यू आर माई रिलेटिव, बिकॉज ऑफ यू आर अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट. केवल मैं आपका इंटरव्यू, आप मेरे रिश्तेदार है इसके नाते नहीं ले रहा हूं मैं. देवी और सज्जनों, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, विजय वक्ते जी तो उनके जीजाजी के भैया को लेके आए. नहीं, जीजाजी के भैया वो तो पहले थे, लेकिन अभी वो साड़ी समाज के एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है. और इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी लोगों को यही आह्वान करूंगा, आप भी बिजनेसमैन बनिए, आप भी इनके जैसे एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए. उसके लिए कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, हम लोग देने के लिए तैयार है. सर ये दोनों आपके अच्छे फ्रेंड है, माँ बाप तो बाद में, ये अच्छे फ्रेंड है, आपकी बहुत जमती है, तीनों की बहुत जमती है. मैंने देखा है कि आपका कोई भी निर्णय गलत नहीं होता है, आपके परिवार का कोई भी निर्णय जो है ना वो गलत नहीं होता है. आप बहुत फ्रेंड से रहते हो, आप में डिस्कशन होता है. जिस परिवार में डिस्कशन नहीं होता है ना, वो परिवार डिस्टर्ब हो जाता है. मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव मैं कहता हूं. जब भी हम बैठे,
पूरे परिवार में खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं तो हम चर्चा करते हैं, किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। मतलब आज हमने जो चर्चा की थी वो राजेंद्र नगर की चर्चा की। राजेंद्र नगर ये दिल्ली का ऐसा एरिया है जहाँ पे सिविल सर्विस के सब बच्चे पढ़ते हैं आईएएस आईआरएस आईपीएस के लिए। दो दिन से हम उसी मैटर उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज दोपहर के बाद में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कोटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोटा में आईआईटी के लड़के कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। कल परसों के शाम हम रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बात कर रहे थे। कभी कभी मैं बच्चों का थोड़ा सा ये लेता हूँ कि आपका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे बच्चों का पिता हूँ, इसके अलावा मैं मेरे बच्चों का अच्छा दोस्त, और ये दोस्ती जो है यही जिंदगी में अपने को आगे लेके जाती है। आई काका नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही चाहूंगा पूरे भूसे परिवार का, नॉट ओनली सुरेश लालू भूसे, सर बताइए कुछ कहना चाह रहे तुम्ही काय सांगताय? नाही ना, तुम्ही काहीतरी सांगत होता नाही ना? आशीर्वाद आहे सर, मैं केवल सुरेश लालू भूसे इनके परिवार का आशीर्वाद नहीं चाहूंगा, तो जितने सारे समाज के जितने भूसे परिवार है सभी भूसे परिवार का मैं आशीर्वाद लेकर माता अंकिनी दशांकिनी का स्मरण करते हुए भगवान जीवेश्वर को वंदन करते हुए आपको अपने उद्योग में आपके इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सक्सेस मिले, इसी के साथ प्रेम भावना बनी रहे, आपका स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ में सदा ही बने रहे, इसी के साथ इस मुलाकात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। Thank you.